ने सबसे पहले एक एक आईपी यानी सिनेरियो के अनुसार जो आईपी कंफिगर किए हैं जो आईपी कंफिगर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आईपी डाला हुआ है सीरियल जीरो पे 1700 पर ना बस यहाँ पे पहले एक आईपी कंफिगर कर देते हैं जैसे इंटरफेस सीरियल 0.0 आईपी अगर 17.0.0.1 नो शट डाउन ताकि आपका इंटरफेस अप हो जाए और क्लॉक रेट बिकॉज ये क्या है मेरा स्पेसी राइट कर देते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेज होता था ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेट रूटर, तो नेट रूटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले एक होस्ट नेम असाइन करते हैं सो होस्ट नेम और यहाँ पे नेट तो इंटरफेस सीरियल जीरो को नहीं चले जाते हैं जैसे इंटरफेस सीरियल जीरो और आई पी एड्रेस यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 17002 सबनेट ऑफ इंटरफेस अब हो गया आपका। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट पे ठीक है तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.0 और आई पी एड्रेस 192.168.1 देन आफ्टर मोशन डाउन ये मेरा ये रूटर भी कॉन्फिगर हो गया चेक कर लीजिएगा सो आई पी इंटरफेस अप है क्या ये अप हो गया राइट कमांड चला देते हैं ताकि आपका उसके एनवीआर में सेव हो जाए सेम इस रोटर पे भी राइट कमांड चला सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है लिंक के लिंक आपका ग्रीन है तो डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर यहाँ पे 192.168.1.2 और गेटर में क्या कंपेयर करते हैं 1.1 तो देख रहे हैं हम लोग ये सारा पी सी कैसे कनेक्ट कर रहा है गेटर यही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 1.3 और गेटवे में क्या हो रहा है 1.2 सेम 1.3 था। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद अब हम लोग को नेट कॉन्फ़िगर अभी फिलहाल देखिएगा उसका मैक्सिमम कम्युनिकेशन कहाँ तक हो रहा होगा ध्यान दीजिएगा 1.1 से कम्युनिकेशन होगा ना वो डायरेक्टली कनेक्ट है 17002 से करेगा तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा यहाँ पे तो होगा ना बिकॉज एक ही रूटर का आईपी है ना होगा 17002 इसी रूटर का आईपी है तो अगर आपको सामने वाले से कम्युनिकेशन करना है तो गेटवे दिए हुए थे गेटवे से वहाँ पे भी जा सकते हैं ना हाँ बिना रूटिंग किए हुए आपका रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड नहीं होगा तो देखते हैं 17002 से भी रिप्लाई आ रहा है मेरा 1 से करेंगे कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट जो कि मेरा इंटरनेट रूटर है वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा अभी ये तक रह रहा है। इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को नैट का सहारा लेना है और इस बार रूटिंग नहीं करके क्या करना है नैट का सहारा लेना है तो नैट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास सबसे पहले स्टैटिक नैट और स्टैटिक नैट होता क्या है आवाज क्यों नहीं आई क्यों तो नेट रूटर है मेरे पास यहाँ पे और नेट रूटर का यूज़ करते हैं इनेबल कॉन्फ़िगरेशन में नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे कि हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है कौन इनसाइड नेटवर्क है और कौन आउटसाइड नेटवर्क है। अब अगर इस रूटर के हिसाब से देखिएगा तो फास्ट इंटरनेट 0 के थ्रू आप इंटरनल नेटवर्क से रीचेबल हो तो इंटरनल नेटवर्क पर कौन पहुँचाएगा फास्ट इंटरनेट ठीक है और एक्सटर्नल नेटवर्क को कौन लेकर जाएगा सीरियल 0 तो फास्ट इथरनेट 0/0 इज द इनबाउंड सीरियल 0 इज द आउटबाउंड ऐसे करेंगे ये तो सबसे पहले रूटर पे आइए लॉगिन कीजिए और यहाँ पर कमांड लिखना है आपको आईपी स्पेस मैप स्पेस ठीक है कमांड बाद में लिखेगा देख लीजिए इनसाइड सोर्स स्टैटिक आईपी नैट इनसाइड सोर्स स्टैटिक स्टैटिक रूटिंग कर रहे हैं मतलब स्टैटिक मैपिंग किस एड्रेस को कन्वर्ट करना मतलब 3 एड्रेस 1.2 1.3 और 1.4 मान लीजिए 1.2 कहीं से कन्वर्शन करना है तो इनसाइड एड्रेस बताइए 192.168.1.2 तो ये इनसाइड नेटवर्क हो गया। अब किस एड्रेस में कन्वर्ट करना तो एक एक्स्ट्रा आई पी लिखे थे ऊपर में याद है 17.0.0.10 तो किस एड्रेस में मैप करना है मैपिंग डिफाइन कर दिया। अब कौन इनसाइड और कौन आउटसाइड वो बता दीजिए तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट क्या था मेरा डिफाइन कर दिए फास्ट इथरनेट इनसाइड
और रिसीव करके इंटरफेस सीरियल 0/0 और ये क्या है मेरा और आईपी मैक और स्टैटिक 1/2 के अलावा कोई और पीसी पिन नहीं कर पाएगा 0/0/1 पे देख लीजिए तो रहा। अब हमको ये कैसे पता चल रहा है कि सच में ट्रांसलेशन हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर तो अभी मेरे ही कंट्रोल में है ना, तो हम इस पर टेलनेट इनेबल करके रख देते हैं, वहाँ से टेलनेट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या एड्रेस शो कर रहा है, वही एड्रेस शो कर रहा है या कन्वर्टेड एड्रेस शो कर रहा है। तो उसके लिए 9 BTY कनेक्शन यहाँ पे ऑन कर दीजिए, इनेबल एक्जीक्यूशन मोड 9 BTY 0 से 6 7 पोर्ट ऑन करना, ठीक है। नो लॉगिन ताकि विदाउट पासवर्ड यूजर कनेक्ट होता है, नो हो गया, चेक करते हैं पीसी से टेलनेट करते हैं। देख लीजिए अभी 1/2 तो पिन कर रहा है ना, 1/2 से रिप्लाई आ रहा है, लेकिन अगर 1/3 से चेक करोगे तो यहाँ से कोई भी रिप्लाई अभी नहीं आ रहा होगा, क्यों, बिकॉज 1/3 का मैपिंग हम लोग नहीं आ रहा है, टेलनेट अभी किए नहीं है, करेंगे ठीक है। अभी फिलहाल 3 टेस्ट कर रहे हैं, रिप्लाई तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से चेक कीजिए, 1/2 से आ रहा था ना, ये 1/3 और ये 1/4 पी सी 0/0/1 को पिन कर रहे हैं, आ रहा रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज ये हम लोग कन्वर्शन के लिए किसको सिर्फ दिए हैं, 1/2 को दिए, 1/2 के अलावा कोई और पी सी करने ये आपको अप्लीकेशन नहीं करता है। तो हम लोग फिर से आते हैं 1/2 पे, देखिए 1/2 है ना, ये यहाँ से रिप्लाई आ रहा था, टेंडेंट करते देखते हैं, 10 17 0 0 कनेक्ट हो गया इंटरनेट को, चेक कीजिए इंटरनेट जाके चेक कर लीजिए इसको कौन टेलनेट करके रखा है, तो टेलनेट कौन किया है 1/2 ना, लेकिन शो क्या करेगा कौन सा एड्रेस 17 0 0 10 किस लोकेशन से टेलनेट किया हुआ 0 0 10 उससे आपका आउटपुट भी आ रहा है कि इसको सही में ट्रांसलेशन हुआ है। आप नेट रूटर से भी चेक कर सकते हो कि ट्रांसलेशन हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक कमांड चलाना होगा यहाँ पे, तो आईपी मैप स्टैटिक्स, देखिए टोटल ट्रांसलेशन टू 1 static 1 dynamic 1 extended हम लोग सिर्फ मेनली यही एक ही हुआ है, मतलब उसके लिए 1 17 versus 14 ठीक है, 17 हिट हुआ है जिसमें से 14 क्या फेल हो गया, 3 रिक्वेस्ट हुआ रहता ना वो सब काम कर दिया, एक्सपार्ट ट्रांसलेशन 8 डायनेमिक मैपिंग कुछ भी नहीं, सारा तक क्या सारा क्या स्टैटिक मैपिंग। सो आईपी मैप ट्रांसलेशन पूरा स्टेटस दिखा रहा है, देखिए इनसाइड लोकल कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, 1/2 से, किस में कन्वर्ट हुआ 10 में, और कहाँ गया आउटसाइड नेटवर्क पे 0/0/1 पे ना, और जवाब भी वहीं से आ रहा है ना, ठीक है, ये चार यही था आपका स्टैटिक।